सूबे के योगी सरकार में महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार का मामला थम नहीं रहा है। देवी का दर्जा पाने वाली महिलाओं पर अत्याचार कब थमेगा, ये तो ना कोई मंत्री बताता है ना कोई नेता बताता है। ताज़ा मामला आपको हम बता रहे हैं आज बहराइच जिले से, जहां पर बेखौफ बदमाशों ने तमंचे के नोक पर एक किशोरी को अगवा कर लिया गया। दरअसल जिले के नवाब थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव में एक किशोरी का उस समय अपहरण कर लिया गया जब वो घरेलू सामान लेने के लिए घर से बाहर निकली थी। आपको बता दें कि असलहे से लैस बदमाशों ने किशोरी को उस समय जबरन गाड़ी पर बैठा लिया जब वो घर से घरेलू सामान लेने के लिए बाहर निकली थी। किशोरी के शोरगुल पर जब तक आसपास के लोग दौड़े तब तक अपहरणकर्ता किशोरी को साथ लेकर भाग निकले थे। वह इस मामले में उच्च अधिकारियों के सख्त निर्देश और आदेश पर स्थानीय पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन फिलहाल अभी तक किसी अपहरणकर्ता की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिससे क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है। ताज़ा मामला है ये बहराइच जिले के जलालपुर का है, जहां पर एक किशोरी का अपहरण किया गया, तमंचे के नोक पर अपहरण किया गया। न्यूज प्लस इंडिया पर आपको बड़ी खबर दिखाई जाए, बहराइच जिले के जलालपुर का है। हालांकि पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन फिलहाल अभी किसी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज प्लस इंडिया, बहराइच। क्या नाम है आपका? चंद्रमोहन तिवारी। क्या मामला है आपका? हमारी लड़की को उठा के ले गए साहिब और दो तीन लोग साथ में थे मोटरसाइकिल पर, उन्हीं लोग लेकर गए हैं। जब शोर मचाया तब गाँव के लोग दौड़े, एक लड़का हमारा गाँव का था वो देखा, वो शोर मचाया, उस असलाह का धमकी दिया और लेकर भाग गए। जाके FIR लिखाया, अभी वो लोग पकड़े नहीं गए, ना लड़की बरामद हुई है। पुलिस क्या कर रही है इस पे? पुलिस दौड़ भाग कर रही है, लीपापोती मचा रही बस। नवाबगंज थाना क्षेत्र में एक किशोरी का अपहरण हुआ, क्या मामला है? नवाबगंज का एक गांव है विशंबरपुर जवाहरपुर, वहाँ एक युवती गायब हो गई है। उसके भाई ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग उसको उठा के लेके चले गए हैं और उसकी तहरीर पर 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है। पुलिस तलाश कर रही है और शीघ्र ही अपहर्ता को बरामद कर लेंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।